कारवां टीवी हर पल आपके साथ। कांवरियों पर पत्थर फेंके जाने से नवाबगंज में हुआ बवाल, विरोध में कांवरियों के कर दिया रोड जाम। जिला बरेली नवाबगंज के गांव जरेली में शाम करीब 6 बजे यहां से गुजर रहे कांवरियों के जत्थे पर पत्थर फेंके जाने पर कांवरियों ने सड़क पर कांवर रखकर जाम लगा दिया। इस घटना की जानकारी जब दूसरे कांवरियों को हुई तो उन्होंने भी सड़क पर कांवर लगाकर जाम लगा दिया। कांवरियों पर पथराव की सूचना पर सीओ अजय कुमार गौतम, एसडीएम राजीव कुमार शुक्ल और कोतवाल अशोक कुमार कंबोज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कांवरियों को शांत कराने का प्रयास करने लगे। कांवरिये इनके समझाने पर भी जब शांत नहीं हुए तो माहौल को खराब होता देख दूसरे थानों की पुलिस भी मौके पर बुला ली। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रामसर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जरेली पहुंचे और पूरी जानकारी लेने के साथ ही कांवरियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। लेकिन कांवरिये पत्थर फेंकने वाले की गिरफ्तारी की जिद पर अड़े रहे, लेकिन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य के समझाने बुझाने पर कांवरिये जाम खोलने को राजी हो सके। दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे जिसमें से एक मंदबुद्धि बच्चे ने गिट्टी फेंक दी जिसके बाद सारा बवाल हुआ। अब बताते हैं मामला क्या है। गांव करुआ साहिबगंज का जत्था नवाबगंज से मुस्लिम बहुल ग्राम जरेली होता हुआ अपने गांव जा रहा था। जत्थे के अधिकांश कांवरथी गांव से निकल गए थे। 4-5 कांवरिये ही जरेली से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर एक कांवरिये को आकर लग गया। कांवरिये पर पथराव होने की सूचना पर गांव से गुजर रहे बाकी कांवरियों ने भी अपनी कांवर सड़क पर रख दी और जाम लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कांवरियों पर पथराव के बाद जाम लगाने की सूचना पर सीओ नवाबगंज अजय कुमार गौतम, एसएचओ नवाबगंज अशोक कुमार कंबोज, एसडीएम राजकुमार शुक्ल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने के प्रयास में जुट गए। भोलों पर पथराव की जानकारी पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एम पी आर्य के साथ ही बजरंग दल व बिहिप नेता मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक जब खेलने वाले बच्चों से जानकारी की गई तो पता चला जिस बच्चे ने पत्थर फेंका है वह मंद बुद्धि बताया जा रहा है। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। आप कहाँ रहते हैं? मेथी नबतिया जी। पूरा मामला क्या है आपका? सर यहाँ पे पत्थर फेंका गया है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कचला से आ रहे थे और मेथी नबतिया और करुआ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। दो रास्ता थे आगे पीछे। फिर जो करुआ वाला था उस पर पत्थर फेंका गया था तो उसके विरोध में यहाँ पे बैठे हैं कि ये आवाज हमारी योगी तक जाए कि कभी भी इस तरह का हमारे कांवरियों पे पत्थर ना फेंका। कौन से वहाँ पत्थर फेंका गया था? ठीक है करुआ साहब। अब आपकी क्या मांग? जो आप ये है सुरक्षा देनी चाहिए कि इस तरह का कभी कांवरियों के साथ ना हो। किसी भी धार्मिक प्रोग्राम हो कुछ भी हो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रशासन क्या आश्वासन दे रहा है? प्रशासन तो यही कह रहा है गिरफ्तारी दे दी है। पहले चार बता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री प्रदीप कुमार। कहाँ से आ रहे थे? हमारे तो पिछले गाँव से। कहाँ रहते हो? ग्राम करुआ। जहाँ कहाँ रहते? गाँव करुआ। फिर क्या हुआ था? हम आराम से आ रहे थे अपनी कामरे साथ कर सभी होले दो होले के उधर से पथरा हुआ। हम ना कोई विरोधी भजन मिल रहा था, हमारे भगवान का भजन मिल रहा था, ना कोई गलत भजन मिल रहा था तो इसीलिए अब मेरे घर से दो तीन पथरा हुआ। पत्थर देखे जाए हमारे यहाँ पे और गुंदर बोले हमारे साथ थे। कितने बड़े बच्चे थे? बराबर थे। अच्छा अचानक जो है प्रशासन कोई नहीं था, पुलिस प्रशासन कोई नहीं पता तो क्या 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 मतलब क्या फेंका था उन्होंने? आप लोगों के जो है प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? थाना क्षेत्र नवाबगंज के एक गांव के पास से एक कांवड़ियों का जत्था जा रहा था तो उस जत्थे के लोगों की एक शिकायत थी कि उस गांव से किसी व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर फेंका गया था जिससे चोट यदि भी किसी कांवड़ियों को नहीं आई थी तथापि उनकी सूचना पर तुरंत पुलिस ने पहुंचकर जो है उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है।
इस संदर्भ में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त करके इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा सत्यता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।